दिन नए आरोप लग रहे हैं, कभी कोई खुलासा करता है तो कभी कोई जानकारी कहीं और से लीक होती है। वहीं हाल ही में ताजा खुलासा न्यूज कंपनियों के इंटरनेशनल ग्रुप ने किया। फेसबुक पेपर्स नाम से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि फेसबुक भारत में फेक बुक बनता जा रहा है। आपको बता दें, फिलहाल खुलासा हुआ है कि फेसबुक पेपर्स के मुताबिक भारत में फर्जी अकाउंट से झूठी खबरों के जरिए चुनावों को प्रभावित किया जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी फेसबुक को है, लेकिन उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया। इस तरह की चीजों को रोकने के लिए कंपनी ने जितना बजट तय किया है उसका 87% सिर्फ अमेरिका में ही खर्च होता है, यानी कि सिर्फ अमेरिका की ही गलत चीजों को रोका जाता है। चलिए आपको बताते हैं ये मुद्दा कैसे शुरू हुआ। पिछले एक महीने से फेसबुक लगातार आरोप लग रहे हैं। इस दौरान कंपनी के कई इंटरनल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स फ्रांसिसी होगेन ने लीक किए हैं। बता दें, खुलासों में कहा गया है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट के नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में पता था, इसके बाद भी कंपनी ने इसे इग्नोर किया। वहीं होगेने ने यह भी कहा कि फेसबुक बच्चों को जानबूझकर अपने ऐप की लत लगाने की कोशिश करता है। होगेने ने कहा, फेसबुक बच्चों के मेंटल हेल्थ, लोकतंत्र और समाज के लिए बड़ा खतरा है। वहीं आपको बता दें, भारत में भी कई तरह के ऐसे आरोप लगे हैं जिन पर फेसबुक ने कोई एक्शन नहीं लिया। बता दें, 2020 से ही फेसबुक को भारत में जांच का सामना करना पड़ रहा है। फेसबुक पर बीजेपी नेताओं के भड़काऊ पोस्ट पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगे थे। वहीं भाजपा ने फेसबुक पर राष्ट्रवादी कंटेंट को सेंसर करने का आरोप लगाया था। भारत में फेसबुक की ही कंपनी व्हाट्सएप की जांच हो रही है। इससे हमें आपको कितना इंपैक्ट पड़ता है, जैसा कि सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर जो भी वायरल होता है उस पर यकीन कर लेते हैं। हम आप जैसे लोग उनके ना फैक्ट जानते हैं ना कुछ, बस आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। हम सोशल मीडिया पर इतना भरोसा करते हैं कि उन्हीं से अपनी नॉलेज को भी बढ़ा लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। इससे हमारे देश में जातिवाद की लड़ाइयां तक छिड़ जाती हैं, जहां एक तरफ ये पॉलिटिकल पार्टीज को प्रमोट करता है, वहीं दूसरी तरफ सच को दबाता है। अब हम भी चाहते हैं इस पर सही तरीके से कार्रवाई हो और उसी कंटेंट को प्रमोट किया जाना चाहिए जो सच के आधार पर हो। इसी के साथ आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7, मैं आपके साथ साधिका कौर। जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।